to be on stage for their performance. सेंटर, ओए लगता है एक और कस्टमर आ गया।
मैं ना NRI हूँ, मेरे पास बहुत पैसा बहुत दौलत है, पर मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए हैं, मेरी पहली बीवी ने जहर खाके आत्महत्या कर ली। क्यों? उससे जहर क्यों खा लिया? उसको जहर अच्छा लगा, उसने खा लिया। और दूसरी बीवी? दूसरी तो छत से छलांग लगाकर मर गई। उसने छत से छलांग क्यों लगाई? उसको जहर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने छत से छलांग लगाकर मर गई। तुम ना एक काम करो, मेरी एक लड़की से शादी करवा दो। एक तो उसकी जिंदगी से बढ़ जाएगी और मैं उसको विदेशों की सैर करवाऊंगा। शर्म करो बुजुर्गों, अपनी उम्र का लिहाज तो करो। इस उम्र में तुम शादी करने जा रहे हो, ठीक से अपनी टांगों पर खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा। आपको चाहिए किसी जरूरतमंद, किसी गरीब की मदद करें, किसी वृद्ध आश्रम, किसी अनाथ आश्रम में पैसा दान दें। कि आपका जिस अनाथ बच्चे की आपने मदद की है, बड़े होकर एक बड़ा आदमी बन जाए और आपको दुआएं दे, इससे आपका पैसा सही जगह पर यूज हो जाएगा। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करता हूँ। हाँ सच, आपकी फीस? नहीं नहीं बुजुर्गो, आप इतना अच्छा काम करने जा रहे हो, हम आपसे फीस नहीं ले सकते। वाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे बच्चों तुम यहाँ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं। बताओ बताओ। हमारी प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स। जी हाँ, पेरेंट्स पहले खुद ही बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं, खुद ही मैगी खिलाते हैं, फिर डांट भी लगाते हैं। और तो और, जब मम्मी ने किटी पार्टी पे जाना हो तो हमें मोबाइल दे कर जाते हैं और कहते हैं बेटा घर पे ही रहना और मोबाइल यूज कर लेना, अब हम क्या करें? और जब हम खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो कहते हैं बेटा जोमैटो कर लो, बेटा स्विगी कर लो। जब हम पढ़े तो कहते हैं पढ़ाकू हो गया, सारा दिन पढ़ता ही रहता है। और जब हम खेलते हैं तो कहते हैं नालायक हो गया, सारा दिन खेलता ही रहता है। जब हम खाते हैं तो कहते हैं कम खा, डाइटिंग कर, डाइटिंग कर। जब नहीं खाते हैं तो कहते हैं कुछ खाती नहीं, अंडर वेट हो गई है। जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं बातें करता रहता है तो कुटिल हो गया। और अगर ना करे तो कहते हैं इंट्रोवर्ट हो गया, किसी से बात ही नहीं करता। अगर पेरेंट्स की तरफ देख ले तो कहते हैं एरोगेंट हो गया, ना देखे तो कहते हैं रूड है। अब हम बच्चे कहाँ जाए, क्या करें, किसको अपनी प्रॉब्लम बताएं? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये तो बिल्कुल गलत बात है, पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को बाहर पार्क में लेकर जाए, उनके साथ समय बिताए, उनका दोस्त बने, बातें करें उनसे, इन नाजुक से बच्चों की कदर करें। It's the responsibility of every citizen to perform their duties towards the country. We can improve our locality, our city and our country only if we come together and work as a unit. वो तो ठीक है मैम, पर ये बताइए आजकल के चैलेंजेस क्या है? एक इंसान के जन्म लेते ही चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, हर मोड़ पर एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। पहले बच्चों के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती थी, लड़कियों को देवी समझा जाता था, लेकिन आजकल कुछ लोग उसे पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। और तो और, औरत अपने आप को असुरक्षित समझती है। एक बच्चे के पैदा होने पर ही उस पे थोप दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनाना है, नहीं नहीं तुम्हें इंजीनियर बनाना है। यह तो कोमल से बच्चे हैं, इन्हें खेलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आपका और हमारा। ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं,
सही भी नहीं और गलत भी नहीं। अपने परिवार के लिए तो हर कोई सब कुछ करता है, लेकिन परिवार आपके लिए कुछ करे, ऐसा माहौल बनाए रखे। And I am blessed, क्योंकि टीचर ही दुनिया में ऐसी कम्युनिटी है जो अधिकतम समय बच्चों के साथ बिताती है। उन्हें गलत ठहराना ठीक नहीं, यह तो आपके बच्चों में अपने बच्चों को देखती है। ठीक कहा ना मैंने बच्चों? Yes, ma'am. मैनू बचा लो, मैं मर रहा हूँ। वीर जी तुसी ही बचाओ मैनू, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैनू बचा लो। ओए पागल है तू, कहाँ से मार खा के आया तू? पागल? मैं पागल? मैं पागल नहीं हाँ, मैं पागल नहीं हाँ, मैं पागल नहीं हाँ। फिर कौन है तू? मैं पंजाब। पंजाब? मैं पंजाब, गुरुआ पीरा दी धरती पंजाब, योधिया शूर वीरा दी धरती। मैं पंजाब जिथों दूध दिया नदियां वहदिया सन, मैं पंजाब जिथों दे किसान अपनी मिट्टी विचों सोना कढ़िया करते सन। मैं पंजाब इथों दे नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरिया की रक्षा करते सन। पर अज मेरी धरती विचों जहर कढ़िया जा रहा है, नशे दिया नदियां बह रहा है मेरे विचों। तुसी सारे ने हाल कीता मेरा, मेरी धरती, मेरा पानी, मेरा आकाश इन्हां सब नूं दूषित करता है तुसी सारे ने। जे है सब कुछ ही चलता रहा, वो दिन दूर नहीं जदों भारत दे नक्शे विचों पंजाब का नाम मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। सही कहा आपने पंजाब जी, अगर इन सब के हम जिम्मेदार हैं, तो इसे ठीक भी हम ही करेंगे। उठो पंजाब जी, उठो, हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम फिर से पंजाब को सोने की चिड़िया बना देंगे, पहले जैसे पंजाब बना देंगे। खुशहाल पंजाब, तंदुरुस्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब। Yeah.